आवाज़ दो। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली संकट गहराता ही जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बिजली न आने से लोग परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें इटावा जिले की हैं, जहां एक तरफ बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। लाइट है नहीं, घर में अंधेरा बिल्कुल व्याप्त हो चुका पूरी गलियों में। इस तरह की समस्या बहुत संकट, सभी लोग ये लोग खड़े भी हैं। पानी है नहीं, बिल्कुल चार्ज है नहीं, तो वो कहाँ से सप्लाई आएगी। बिजली कर्मचारी तो अपनी एक बात पर लगे हुए हैं कि हमारी एक मांग है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, मगर उससे हमारे क्या करना है, वो तो सरकार का मामला है। तो सरकार देखे इस चीज को, मगर पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है, सरकार को इस चीज को सोचना चाहिए। बिजली न आने से लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है। कल रात से लाइट नहीं आ रही है और पानी भी नहीं आ रहा है, काम धंधा सब बंद पड़ा हुआ है, इन्वर्टर भी सब बंद हो गया, नहाने धोने की समस्या हो रही है। बिजली कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हैं तो सरकार भी लगातार उन्हें चेतावनी दे रही है। ऊर्जा मंत्री ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन बिजली कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी। कि 22 व्यक्तियों के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत FIR होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही अन्य लोग जो काम को सरकार के परिसंपत्ति को नुकसान कर रहे हैं या जनता की सेवा में करने में बाधा डाल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों को रोक रहे हैं या हमारी ऐसी किसी व्यवस्था को विक्षेपित कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ FIR करने का हमने निर्णय लिया है और सबको सूचनाएं दी जा चुकी हैं। कुछ लोगों के खिलाफ FIR हो भी चुके हैं। अभी का जो फिगर है हमारे पास, उसमें 29 व्यक्तियों के खिलाफ फील्ड में नीचे की स्तर पे FIR किए गए हैं। बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही इन सारी एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम कहेंगे कि हमारे जो आईटीआई की संस्थाएं हैं, पॉलिटेक्निक की जो संस्थाएं हैं और इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में से आईटीआई पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास बच्चों की लिस्ट लेकर के और उनको पहले अप्रेंटिस में रखें और फिर जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से आगे उनको आगे बढ़ाने का की बात सोची जाएगी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर कई पावर प्लांट पर पड़ा है। बिजली के उत्पादन में कमी और सरकार से बिजली कर्मचारियों की तनातनी से यूपी में बिजली की किल्लत और बढ़ सकती है।